दोस्तों, सभी छोटों को मेरा प्यार, बड़ों को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। नए दिन की नई शुरुआत करते बना लेते हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड के सुंदर से शहर पिथौरागढ़ से। और पिथौरागढ़ में भी अपने ससुराल में हूँ, तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी सुबह सुबह से। पीछे से बैकग्राउंड से आप लोगों की आवाज़ आ रही होगी, ये हमारी बिल्ली के म्याऊं म्याऊं करने, तो इसे थोड़ा इग्नोर करना। ये इसको भूख लग गई तो ये खाना मांग रही है, तो मैं इसको देती हूँ एक बार खाना, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। जीवी को नहला धुला के बाहर बैठाया ही था कि जीवी की हरकतें देखो दोस्तों। अपने दादाजी की मालाओं के साथ जीवी का कुछ इस तरीके से खेल हो रहा है। एक एक करके अपने गले में मालाएं डाल रही है, जैसे इसके दादाजी डालते हैं वैसे ही ये भी डाल रही है। इस लड़की के खेल तो आजकल निराले ही होते जा रहे हैं, बिल्कुल देखने लायक के। अभी तक अपने दादा की मालाओं से खेल रही थी, और अभी अभी इसको खेलना है बाल्टी के अंदर घुस के। बाल्टी में बैठ के कौन खाता है? दादी को खिला रही है, देखना। हाँ ये देखो। मामा को खिला रही है। खाओ। कितनी अच्छी कुर्सी है ना जीवी की, ना कितनी अच्छी कुर्सी है ना। वो इतने मजे से किसको देख रही है? डिगो, आप इन दोनों को देख रहे हो? हैं? इसी बिल्ली की ब्रीड ऐसा लग रहा है ना इसको, मतलब सामने से देखने में तो डर लग रही है, ऐसा लग रहा है कि बाघ का छोटा सा बच्चा होगा करके। देखो इसको, मैं ये देखो, लग रहा है ना सच में बाघ का बच्चा है। बाघ का बच्चा तो लगी पर है, बड़ी प्यारी है, छोटी सी है ना। हाय आप, क्या दोस्तों, आज मम्मी ने उबाल रखी है पहाड़ी हल्दी। तो पहाड़ी हल्दी ना उबालने के बाद इनको काट के धूप में 2 से 3 बार सुखा के ना इनको हम पीसेंगे। तो दोस्तों आज यहाँ मम्मी ने उबाल रखी है पहाड़ी हल्दी। तो ये हल्दी आई हुई थी बाराकोट से बुआ ने भेजी हुई थी। तो घर की हल्दियाँ हैं दोस्तों, तो वो तो मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। आप सब लोग इससे परिचित होंगे कि घर की हल्दी कितनी ज़्यादा गुणवान होती है। हल्दी की खुशबू और कलर देख सकते हैं आप लोग, हाथ में पकड़ते ही ये इतना ज़्यादा कलर छोड़ देती है कि 2 से 3 दिन तक का इसका कलर निकलता नहीं है हाथों से, और खुशबू भी इतनी सुंदर रहती है ना इसकी। अभी दोस्तों ये हल्दी इतनी सी दिख रही है ना आप लोगों को, मैं सूखने के बाद दिखाऊंगी। ये इसका बिल्कुल इससे स्मॉलेस्ट साइज़ हो जाता है, बिल्कुल ये सूख के एकदम सिकुड़ जाती है। पानी डालो, गरम रखा है इतना सारा पहाड़ी पालक। तो आज ना घर पे लंच में स्पेशल बनने वाला है पहाड़ी पालक की दाल, यानी कि कापा और भात, पहाड़ी पालक की दाल। छोड़ो, रहा है मम्मी पापा का अदरक का पानी। मम्मी पापा ना चाय नहीं पीते हैं, तो उन वो लोग ना अदरक का पानी ही पीते हैं। तो ये बन रहा है अदरक का कापा, होता है ना दोस्तों लोहे की कढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आज मैं बनाऊँगी लोहे की बड़ी सी कढ़ाई में इतना सारा पालक का कापा। फिर मैं मम्मी के साथ हल्दी काटने चले गई थी, और यहाँ मेरी सब्जी अच्छे से पक चुकी है। बुआ को नहीं जा रही हूँ, यही रहूंगी। बुआ तो गई, हाँ बुआ तो चले गई, हाँ बुआ तो चले गई ना। मैं भी गई थी आगे, हमारे गांव का जो रास्ता है वहीं कुछ सामान पहुँचाना था, तो मन्नू आए हुए थे तो मन्नू के साथ ही गई हुई थी। जा रही हूँ मैं वापस घर को, हमारे घर से गांव तक का रास्ता इतना दूर है ना, बहुत लंबा। ये देखो कैसी तिरछी सी लाइन है, देखो
आजकल सारे खेतों में देखो जौं बो रखे हैं, ऐसी वाइब्स आती है पता है अपने गांव के रास्ते में चलने में। तो देखो मेरे हाथ में क्या है आज, आज आ गई है जीविका की बर्थडे की पेन ड्राइव। तो इसके अंदर ना जीविका की बर्थडे की जो सेलिब्रेशन था उसकी वीडियो है, पेन ड्राइव है ये। इसको लगाते हैं टीवी में और देखते हैं। हैप्पी बर्थडे जीविका वर्मा। समस्त वर्मा परिवार एवं मित्रगण, दिनांक 10/10/2023। ये तो हम अंदर कैसे देख ही रहे थे कि बाहर से म्याऊं म्याऊं की आवाज आई, और ये देखो आए हैं हमसे स्नूवी मिलने के लिए। तो इस कैट का नाम है ना स्नूवी, और ये पड़ोस में ही भाभी जी लोग हैं उनकी है, और बहुत प्यारी बिल्ली। माऊ माऊ माऊ। शाम की पूजा का वक्त हो गया दोस्तों, तो चलिए कर लेते हैं पूजा। और आज हमारे साथ मन्नू भी है, तो आज हम लोग बहुत सारे कीर्तन करेंगे। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। श्याम शरण आर सफल की ज सेवा, सूर श्याम शरण आर सफल की ज सेवा। जय गणेश देवा जगी पार्वती पिता महादेवा। जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, सुजनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे और न कोई आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे प्रण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता रखना हे मात जगत जननी, मेरा ध्यान सदा रखना।